नमस्कार साथियों, ज्ञान बूस्टर कंप्यूटर शाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने टेबल इंसर्ट करने के 6 तरीके सीखे थे, साथ ही टेबल में डाटा एंट्री, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और टेबल के साथ आने वाले डिज़ाइन और लेआउट टैब के बारे में भी सीखा था। और इन सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर मिस हो गए हों तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम टेबल के अंतर्गत कट, कॉपी एवं पेस्ट की कुछ अलग अलग कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप को सही समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल को एक्टिव ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो बिना विलंब किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रो में कॉपी और पेस्ट के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैं किसी एक एंट्री को सेलेक्ट करके उसे हाईलाइट कर लेता हूँ किसी कलर से, ताकि कॉपी पेस्ट करने पर क्या फ़र्क आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, ये आपको दिखाई दे। अब कॉपी पेस्ट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं एक एक सेल को सेलेक्ट करके कॉपी करूँ या फिर रो को। तो सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट करके करते हैं। तो मैंने एंट्री नंबर 9 के सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब कॉपी, कट और पेस्ट करने के लिए हमारे पास या तो राइट क्लिक करने पर ये ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर कीबोर्ड से हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट राइट क्लिक पर अभी कर रहे हैं। राइट क्लिक पर हमें मिलता है कॉपी, तो सेल्स को हमने कॉपी कर लिया है और जहाँ पर भी हम चाहते हैं वहाँ पर हमने क्लिक किया, और राइट क्लिक पर हमें मिलता है पेस्ट सेल्स। हमने कॉपी सेल्स को किया था, इसीलिए यहाँ पर पेस्ट सेल्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैंने पेस्ट सेल पर जैसे ही क्लिक किया तो एंट्री नंबर 2 की जगह पर एंट्री नंबर 9 का पूरा डाटा, पूरी जानकारी आ चुकी है और 2 नंबर की जानकारियाँ हट चुकी हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करके हम अंडू कर लेते हैं। ये तो हमने सेल को सिलेक्ट करके किया था। और अगर हम पूरी पूरी रो सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने जैसे पूरी रो सेलेक्ट की, राइट क्लिक, कॉपी, और एंट्री नंबर 2 पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पेस्ट रोज़। मतलब हमने सेल को सिलेक्ट किया था और कॉपी किया था तो पेस्ट सेल्स लिखा हुआ आ रहा था, और रो को सिलेक्ट करके कॉपी किया तो पेस्ट रोज़ लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे हमने पेस्ट रो पर क्लिक किया तो एक नई रो यहाँ पर बीच में आ चुकी है पेस्ट होकर, जिसको हमने कॉपी किया था। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में एक नई रो आ गई है। और ध्यान दीजिए, एंट्री नंबर 2 की जो जानकारी थी वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई है, मतलब कि एंट्री नंबर 2 आगे बढ़ गई है और 1 और 2 के बीच में एंट्री नंबर 9 जो कॉपी करके हम लेकर आए थे वो आ चुका है। ठीक है, और सेल को जब हमने कॉपी किया था तब बीच में ये डेटा नहीं आया था, 2 नंबर वाली एंट्री की सारी जानकारियों को उसने रिप्लेस कर दिया था एंट्री नंबर 9 ने। और एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही है, सेल को जब हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया था तो सिर्फ सेल के अंदर जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, सिर्फ वही आया था, उसकी फॉर्मेटिंग साथ में नहीं आई थी। लेकिन हमने पूरा पूरा रो सिलेक्ट करके किया है तो रो के साथ में उसकी फॉर्मेटिंग भी आ चुकी है। कंट्रोल प्लस जेड से हम अंडू कर लेते हैं। अब मैं किसी रो में सिर्फ कुछ सेल्स को ही सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी, और जहाँ पर भी हम चाह रहे हैं वहाँ पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक और पेस्ट सेल्स। तो देखिए, एंट्री नंबर 2 में 3 सेल हमने जो सिलेक्ट किए थे वो 3 सेल यहाँ पर नए आ चुके हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस जेड करके हम अंडू कर लेते हैं। और अगर मैं 3 सेल सेलेक्ट करके, 3 या 4 सेल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा, और पूरी की पूरी रो अगर सेलेक्ट करके पेस्ट करूँगा, राइट क्लिक, पेस्ट सेल्स, तो पेस्ट सेल करने पर ध्यान से देखिए, जो 4 सेल हमने सेलेक्ट किए थे, 1, 2, 3 और 4, तो वो 4 सेल आ चुके हैं। और उसके बाद में फिर से वही 4 सेल्स आने लग गए। मतलब ये कि पूरी रो में यही 4 सेल्स का डेटा बार बार रिपीट होगा। किसी रो में कट और पेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने इस रो में कंटेंट्स को सेलेक्ट कर लिया है, मतलब सेल्स को सेलेक्ट कर लिया है, और राइट क्लिक पर मुझे मिलेगा कट। कट करते ही रो के अंदर जो कंटेंट थे वो सारे कट हो गए हैं। और अब कहीं और पर मैं किसी और रो में क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, तो मुझे मिलेगा पेस्ट सेल्स। तो पेस्ट सेल करने पर इस रो का जो डेटा था, इस रो की जो जानकारियाँ थी, वो यहाँ से कट होकर इस रो में आ चुकी हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मेटिंग साथ में नहीं गई है। कंट्रोल प्लस जेड करके हम अंडू कर लेते हैं एक बार और, कंट्रोल प्लस जेड। लेकिन ये तो हमने सेल्स को सिलेक्ट किया था, अगर हम सेल की बजाय पूरा का पूरा रो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर राइट क्लिक और कट करेंगे, तो कट करने पर देखिए यहाँ से पूरी रो गायब हो चुकी है। और जहाँ पर भी हम चाह रहे हैं वहाँ पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक और पेस्ट रोज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने क्लिक किया। एंट्री नंबर 1 और 2 के बीच में एंट्री नंबर 9 जो हमने कट की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, और साथ में इस रो में जो फॉर्मेटिंग थी वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।